तो गाइस आपका बजट है 15,000 और खरीदना है एक अच्छा फोन, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लाइक भी कर दीजिए। तो हमारे लिस्ट के फिफ्थ नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है वीवो की तरफ से वीवो T2X 5G। 6.58 इंच का LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर है Dimensity 6020 प्रोसेसर, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाएंगे, नॉर्मल यूज में कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर बैटरी की बात करते हैं 5000mAh की बैटरी के साथ आपको 18W का चार्जर बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाता है। और कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर 50MP का मेन सेंसर, साथ ही में 2MP का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। रैम रोम प्राइस आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप इसे देख सकते हो। तो हमारे लिस्ट के फोर्थ नंबर पर जो स्मार्टफोन है आईको की तरफ से आईको Z6 Lite 5G, यहाँ पर आपको 6.8 इंच का एक Full HD+ LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बैटरी देखने के लिए मिलते हैं 5000mAh की और यहाँ पर आपको 18W का चार्जर बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 50MP का मेन सेंसर, साथ ही में 2MP का डेप्थ सेंसर और एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है 8MP का। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 4th Gen 1 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आईको की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त फोन है। रैम रोम और प्राइस आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप इसे भी चेक कर सकते हो। और हमारे लिस्ट के तीन नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से Infinix Zero 2023 5G, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं। 6.78 इंच का LTPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं, वो भी पंच होल डिस्प्ले, साथ ही में 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो पर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर है Dimensity 920 जो कि काफ़ी पावरफुल है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलता है आपको सबसे ज़्यादा पावर इस स्मार्टफोन में ही देखने के लिए मिलता है। बैटरी की बात करते हैं 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने के लिए मिलता है। कैमरे की बात करते हैं 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और 16MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और इसका रैम रोम और प्राइस आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप इसे भी देख सकते हो। जो लोग यहाँ पर ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पर उनके लिए ये स्मार्टफोन बेटर होने वाला है। और इस लिस्ट के सेकंड नंबर पे आपको दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलते हैं, दोनों ही फ़ोन आपको सैमसंग की तरफ से देखने के लिए मिलते हैं, Samsung Galaxy F14 5G और M14 5G। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइए, दोनों फोन आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। सैमसंग इन दोनों फोन को अलग अलग नाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है। यहाँ पर दोनों फोन के अंदर आपको 6.6 इंच का एक अच्छी क्वालिटी का PSL LCD डिस्प्ले, 6000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलते हैं। फोन 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक दिन चार्ज करते हो तो आराम से दो दिन चला पाएंगे। इसका प्रोसेसर काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है, लेकिन एक चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको Exynos का 1330 प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं। परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है, नॉर्मल यूज़ में कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा, कैजुअल गेमिंग में भी कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर कैमरा काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको 50MP का मेन सेंसर, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का सपोर्टर लेंस दिया गया है और सेल्फी कैमरा आपको 13MP का देखने के लिए मिलता है। कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको एक कैमरे के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पर आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। और इन दोनों फोन का रैम रोम और प्राइस आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप इन दोनों फोन को चेक कर सकते हो। और हमारे लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है मोटरोला की तरफ से Moto G62 5G। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और वो भी पंच होल डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Snapdragon 695 देखने के लिए मिलता है, 6nm वाला प्रोसेसर है, काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकल के दे देता है। नॉर्मल यूज़ में कैजुअल गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैमरे की बात करते हैं तो यार आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलते हैं, 50MP का मेन सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP का मैक्रो सेंसर और 16MP का सेल्फी, तो यहाँ पर भी आपको कैमरास काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बैटरी की बात करते हैं 5000mAh की बैटरी, साथ ही में 20W का चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाता है। और एक चीज़ मोटरोला यानी स्टॉक एंड्रॉइड, तो इसके अंदर आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलेगा, कोई भी फालतू का एप्स और ब्लोटवेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन का रैम रोम और प्राइस आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप बात करते हैं किन के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। तो अभी तो BGMI फिर से आ रहा है, तो जिन लोगों को ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलना है तो उनके लिए नो डाउट Infinix बेटर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी मस्त मिलने वाला है। जिनको एकदम क्लीन UI चाहिए, कोई भी एड्स और ब्लोटवेयर नहीं चाहिए, तो उनके लिए मोटरोला, और जिनको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए उनके लिए सैमसंग, जिनको वीवो और आईको का फ़ोन पसंद है तो यहाँ पर वीवो और आईको भी अपना 15,000 के अंदर अच्छा फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसे भी ले सकते हो। ये सभी फ़ोन आपको 15 से 16,000 के अंदर काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।